अस्सलाम वालेकुम जय श्री कृष्ण सुपर जिंगल्स, कैसे हो तुम सब लोग सुपर जिंगल्स। आई होप यू आर फाइन एंड मेंबर ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स। सुपर जिंगल्स वीडियो को एंड तक देखिएगा, 3 मिनट की वीडियो है, आराम से देखिएगा, ठीक है, कोई पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। सुपर जिंगल्स आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कवर डेटर बॉक्स की। जैसा कि तुम लोगों को पता है, मैं काफी देर से एक कवर डेटर बॉक्स अपने कैट्स के लिए यूज कर रहा हूं एंड आई हैव टू कैट्स, तो लिटरली यू कैन इमेजिन कि मुझे अभी तक कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा। सो जो सबसे पहला बेनिफिट है, आई थिंक बेनिफिट ही इसे कहेंगे कि एक कवर्ड लिटर बॉक्स जो है हम लोग अगर रूम में रखते हैं, वॉशरूम में रखा हुआ है, मैंने जैसे वॉशरूम में रखा हुआ है, ठीक है, या आप रूम में रखते हैं या किसी भी एक एरिया में जहाँ पे आपने कवर्ड लिटर बॉक्स रखा हुआ, प्यारा लगता है एज कम्पेयर टू अनकवर्ड लिटर बॉक्स। अनकवर्ड लिटर बॉक्स में सारा स्टूल नजर आ रहा होता है, इसके अंदर कोई स्टूल नहीं नजर आ रहा, इसके अंदर कोई यूरिन नहीं नजर आ रहा, कोई क्लंप नहीं नजर आ रहा, ठीक है, इट्स अ कवर्ड लिटर बॉक्स और कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, एंड यू कैन जस्ट गो इनसाइड और सारा कुछ करके बाहर आ जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये हो गया, और उसके अलावा अगर आपके घर में एक और बेनिफिट, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है और ही वुड सी के क्या चीज़ है ये, मतलब लाइक कैरिज में जा रहे हैं, एक जो कवर्ड लिटर बॉक्स है वो प्रॉपर लगता है कि एक सेपरेट वॉशरूम है कैट के लिए, एक सेपरेट टॉयलेट बना हुआ है कैट के लिए, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और आपकी कैट भी इसमें जो है सेफ फील करती है। दिस इज एन अदर बेनिफिट के आपकी जो कैट है वो काफ़ी हद तक सेफ फील करती है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी कैट रखी है, मुझे कमेंट सेक्शन जब वो स्टूल पास कर रही होती है, और आपने देखा है आप गूगल पे भी सारा सर्च करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा कि एक लिटर बॉक्स को हमेशा एक सेफ जगह पे आपको रखना है, सेफ साइड पे रखना है जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपकी कैट को, या आप अपनी कैट को डिस्टर्ब ना करें, मतलब आपकी कैट डिस्टर्ब ना हो, तो इसमें कोई ऐसा चक्कर ही नहीं, आपकी कैट ने अंदर जाना है, उसे बाहर से कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, आराम से मुझे सेफ फील करेगी और सारा काम उससे ही रहेगा। एक ये बेनिफिट हो गया, और उसके अलावा जो एक बेनिफिट है वो हम लोगों को ये मिल जाता है कि हम लोगों को बार बार लिटर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, पूरा दिन लिटर नहीं देखना पड़ता, अंदर स्टूल वगैरह नहीं देखना पड़ता, क्लंप नहीं देखने पड़ते, ठीक है, कवर्ड लिटर बॉक्स है, दैट्स इट, जब साफ करना है तभी सारा कुछ देखना पड़ेगा, तभी नहीं देखना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सबसे बड़ा हम लोगों का बेनिफिट है वो ये है कि ऑडर कंट्रोल, स्मेल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है अगर हम कवर्ड लिटर बॉक्स यूज करते हैं एज कम्पेयर टू अनकवर्ड लिटर बॉक्स। अगर हम कवर्ड लिटर बॉक्स यूज करते हैं तो काफी हद तक स्मेल जो है कंट्रोल हो जाती है, आई थिंक, और ये मेरा लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस है, जबकि मैंने देखा था, जहाँ मुझे याद है कि आपको एक लिटर बॉक्स को एक एरी जगह पर रखना है उसको, और जो लिटर बॉक्स है बड़ा होना चाहिए और सारा मतलब ओपन होना चाहिए, ये वो सारा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है थोड़ी एरी जगह हो जहाँ पर हवा वगैरह फिरती रहे और सारा स्मेल इतनी भी ज़्यादा जमा ना हो, लेकिन एक कवर्ड लिटर बॉक्स काफ़ी हद तक ऑडर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो एक और हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है लिटर बॉक्स कवर्ड लिटर बॉक्स का, वो ये है जब आपकी कैट लिटर बॉक्स में जाती है, जब उसको डिग करती है लिटर को, या जो सॉइल वगैरह है, ठीक है, वो बाहर गिर जाती है अगर अनकवर्ड लिटर बॉक्स है, लेकिन कवर्ड लिटर बॉक्स में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ठीक है, कवर्ड लिटर बॉक्स जितना मर्जी डिग करे वो छत पर लग के नीचे ही आएगा, पीछे लगेगा नीचे आएगा, साइड पर लगेगा नीचे ही आएगा, ठीक है, बाहर आपका लिटर भी ज़ाया नहीं होगा, लिटर भी ज़ाया नहीं होगा और गंद भी नहीं मचेगा। कवर्ड लिटर बॉक्स का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और यही 5 से 6 बेनिफिट्स थे जो मेरी समझ में आ रहे थे। सुपर सिंगल यही थे 5 to 6 बेनिफिट्स जो कि आई थिंक काफ़ी मज़ेदार बेनिफिट्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सो यस, यही थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, और लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन इस तरह की और भी वीडियोज़ आनी चाहिए या नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द थम्स अप बटन एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह।